राष्ट्रवाद यानी देश से बढ़कर कुछ नहीं। राम मंदिर की में प्राण प्रतिष्ठा को लेकर सिर्फ आज और कल का इंतजार है। उसके बाद रामलला की मूर्ति की भव्य प्राण प्रतिष्ठा दिव्य महल में हो जाएगी। अयोध्या ही नहीं बल्कि पूरा देश उस शुभ घड़ी का इंतजार कर रहा है। अयोध्या के कोने कोने में, देश के कोने कोने में, हर शहर, हर गली, हर मोहल्ले में राम धुन सुनाई दे रही है। लेकिन इन सबके बीच आज राम मंदिर के अंदर क्या हुआ? आज वास्तु पूजा हुई, अनुष्ठान चल रहा है। राम भक्तों की भीड़ लगातार अयोध्या में बढ़ती जा रही है। राम भक्तों का सैलाब है और हर किसी के मन में यह इच्छा है कि वो किसी तरीके से प्रभु राम की नगरी अयोध्या की धरती पर अपनी उपस्थिति दर्ज करा दे, खास तौर पर 22 तारीख के दिन। लेकिन इस देश में एक वर्ग ऐसा भी है जो इस पावन पुनीत मौके पर सियासत से बाज नहीं आ रहा। राम मंदिर को लेकर विपक्ष का टेप बंद होने का नाम नहीं ले रहा। जैसे जैसे प्राण प्रतिष्ठा का दिन नजदीक आ गया है, सिर्फ 2 दिन बचे हैं, विपक्षी पार्टियों की तरफ से बयानबाजी लगातार बढ़ती जा रही है। आज सबसे पहले सुनिए एमआईएम पार्टी के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी ने क्या कुछ कहा। कांग्रेस के जीवन मुख्यमंत्री थे, रात के अंधेरे में उसमें मूर्तियां रख दी गई। मेरी मस्जिद थी, 1986 में लॉक्स खोले गए बगैर मुसलमानों को सुने, बूटा सिंह शिलान्यास कर दिए, भारत के मुसलमानों से ये बाबरी मस्जिद को छीन लिया गया। सुप्रीम कोर्ट का यकीनन फैसला है, सुप्रीम कोर्ट ये भी कह दिया कि वहाँ पर मंदिर को तोड़कर मस्जिद नहीं बनाई गई। जो अपने आप को सेकुलर बोलते हैं वो बोल रहे हैं कि दिल्ली का मुख्यमंत्री और जो अलायंस में है, हम हर ट्यूसडे को सूरजकंड पार्क और हनुमान चालीसा स्कूल में, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाएंगे। पर क्या बोलना है आप लोगों का, बोलो। कोई नहीं बोलता, इसलिए नहीं बोलता क्योंकि सबको मेजॉरिटी कम्युनिटी के वोट्स को हासिल करने का झगड़ा है। अब सोचिए, सिर्फ 2 दिन का इंतजार है, उसके बावजूद ओवैसी बाबरी का नाम ले रहे हैं। वो कहते हैं कि 500 सालों तक सजदा किया, क्या दिक्कत नहीं हो रही है? क्या ये भड़काने की बातचीत नहीं है? ये सवाल हम लगातार पूछ रहे हैं। ओवैसी को आपने सुना, लेकिन समाजवादी पार्टी के नेता है वो भी लगातार प्राण प्रतिष्ठा को लेकर बयान दे रहे हैं, प्राण प्रतिष्ठा को लेकर सवाल उठा रहे हैं, केंद्र सरकार पर हमला बोला जा रहा है। अब सुनिए एसपी सांसद एसपी हसन ने क्या कुछ कहा। कानून हमारा ये कहता है कि कोई भी धार्मिक आयोजनों में ना तो सरकारी धन लग सकता, ना ही सरकारी मशीन काम कर सकती, और ना ही सरकारी कर्मचारियों को उन आयोजन को सक्सेसफुल करने के लिए वहां पे बुलाया जा सकता। लेकिन अब देश कानून से नहीं चल रहा है, देश चल रहा है हंटर से, देश चल रहा है राजतंत्र से। और राजतंत्र के तो ये लोग अनुयायी हैं, क्योंकि इन्होंने सिंगोल भी लगाया है पार्लियामेंट के अंदर। तो अब राजा महाराजाओं का दौर फिर आ रहा है और आ भी गया है। अब सोचिए सांसद हैं एसटी हसन, वो कह रहे हैं सरकार का पैसा लग रहा है, जबकि ये सब कोई जानता है, हर कोई ये जानता है कि किस तरीके से लोगों ने इसमें चंदा दिया है, किस तरीके से ट्रस्ट तक हजारों करोड़ रुपए आम लोगों के पहुंचे हुए हैं और उन पैसों से ये मंदिर बन रहा है। ये सरकार का पैसा नहीं है, इस पर मैं आगे बातचीत करूंगा। लेकिन एक तरफ विपक्ष जहां राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा को लेकर सवाल उठा रहा है, वहीं पंजाब से आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद और पूर्व क्रिकेटर हरभजन सिंह ने भगवान श्री राम के प्रति अपनी भक्ति खुलकर जाहिर कर दी है और ये भी कहा कि इससे जिसको दिक्कत है वो जो चाहे कर सकते हैं, वो तो जाएंगे। ये हम सबका सौभाग्य है कि हमारे दौर में ये चीज़ें हो रही हैं और हमें वहाँ जाना चाहिए, आशीर्वाद लेना चाहिए। और मैं तो यही कहूँगा कि कोई जाए ना जाए, मेरी जो भगवान में आस्था है और जो मेरा एक यकीन है, मैं तो ज़रूर जाऊँगा। और मैं कोई पार्टी जाए या ना जाए, मैं एक ये अपना मेरा स्टैंड है एज इंडिविजुअल जो बिलीव करता है भगवान में, तो मैं ज़रूर जाऊँगा। कांग्रेस को जाना है जाए, नहीं जाना है जाए, किसी को भी और जाना हो जाए, किसी को मेरे जाने से दिक्कत है तो वो भी, उनको जो करना है वो करें। अब चलिए वो सवाल आपके सामने रखता हूँ जिनके इर्द गिर्द आज की चर्चा आगे बढ़ने वाली है। सवाल पहला ये कि अयोध्या में वैदिक अनुष्ठान तो विपक्ष का भड़काऊ ज्ञान क्यों? राम मंदिर की भव्य तस्वीर, ओवैसी की ये कैसी तकरीर, बार बार बाबरी का नाम क्यों ले रहे हैं? हरभजन को बुलावा आया क्या? इंडी को आईना दिखाया गया है, क्योंकि उन्होंने खुलकर कह दिया कोई कुछ भी कहता रहे वो तो जाएंगे राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के दिन। 500 सालों का इंतजार खत्म हुआ है, विपक्ष की राजनीति आखिरकार कब खत्म होगी? सवाल ये भी कि अयोध्या से लंदन तक जय श्री राम है,
यहाँ सियासी संग्राम क्यों है? क्योंकि लगातार अयोध्या में देश दुनिया से लोग पहुंचे हुए हैं। चलिए आपका परिचय आज के मेहमानों से करवाता हूँ। एस एन सिंह जी भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता, शैलेंद्र पांडे जी पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरुण पुरोहित जी हमारे साथ बाहर से जुड़े हैं कांग्रेस पार्टी के नेता, हाजी मेहरुद्दीन रंगरेज इस्लामिक स्कॉलर के तौर पर और महंत विष्णुदास जी मंच पर हमारे साथ मौजूद हैं हिंदू धर्मगुरु। ये 22 तारीख को राम मंदिर में मौजूद भी रहेंगे, प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के गवाह भी बनेंगे। मैं सबसे पहले शैलेंद्र पांडे जी आपके पास आ रहा हूँ। समाजवादी पार्टी कह रही है, एसटी हसन ने कहा कि सरकार का पैसा लग रहा है, सरकार का पैसा लग रहा है क्या? जी बिल्कुल, सरकारी धन का दुरुपयोग किया जा रहा है। इस आयोजन में तमाम सरकारी मशीनरियां दौड़ रही हैं, करोड़ों रुपया खर्च किया जा रहा है इस आयोजन में, जबकि अयोध्या में तमाम ऐसी आवश्यकताएं हैं, चाहे वो अस्पताल का हो चाहे विद्यालय का हो, उस पर पैसा नहीं लगाया जा रहा है। इसको धार्मिक आयोजन बना करके सरकारी मशीनरियों का दुरुपयोग किया जा रहा है निश्चित तौर से। शैलेंद्र जी सुनिए, अभी मैं जनता के बीच जाऊंगा, आप मुझे बता दीजिए केंद्र सरकार ने कितना पैसा खर्च किया है और उसका कोई प्रूफ हो, किस मद में आया, किस फंड से आया, वो जरा बता दीजिए। अब आरटीआई से जानकारी प्राप्त की जाती थी। आपको जानकारी है? लेकिन आज आपको जानकारी है शैलेंद्र जी, 95 करोड़ रुपया अयोध्या पर खर्च किया गया है। नहीं नहीं, केंद्र सरकार ने दिया है राम मंदिर बनाने के लिए। केंद्र सरकार ने पैसा दिया है राम मंदिर बनाने के लिए। जनता ने चंदा दिया भाई, इन्होंने दिया होगा, जितने लोग बैठे उन्होंने दिया होगा, सरकार का पैसा थोड़ी नहीं है। सरकारी खर्चा किया जा रहा है? कौन सा सरकारी खर्चा? इस दौड़ भाग कराने में कौन सा सरकारी खर्चा? खर्चे में पेट्रोल नहीं तो अयोध्या के डेवलपमेंट पर खर्चा ना हो, निर्माण की जनता क्या कह रही है? पैसा नहीं हो रहा है। मैं जरा जनता के बीच चलता हूँ, मैं जनता के बीच चलता हूँ। किसका पैसा लगा? राकेश जी, ट्रस्ट का पैसा ये जितना आया है उसके ब्याज से मंदिर बन रहा है। ये सफाई कराते थे, इसको पैसा कहाँ से आता था? सफाई हीरोनों को लाके नचाते थे, उनको पैसा कौन देता था? इसका पैसा लग रहा है। सर एक बात बताइए, जो भारत में जितना मंडी है, जो चढ़ावा आता है, हमारे पास इतना धर्म के नाम पे पैसा है, कैसा ऐसा 5 मंडी और खड़ा कर दूं, और ये लोग बोलता है सरकार का पैसा। किसका पैसा लग रहा है? किसका पैसा लग रहा है राम मंदिर पे? भक्तों का पैसा लग रहा है, भक्तों का पैसा लग रहा है। जो पार्टी वाले पहले खाते रहे हैं, आज ये बातें कर रहे हैं, ये सब भक्तों का पैसा लग रहा है। जय श्री राम। किसका पैसा लग रहा है? किसका पैसा लगा है राम मंदिर? पैसा लग रहा है जी, 100% भक्तों का पैसा लग रहा है। भक्तों का पैसा या सरकार का पैसा? भक्तों का, राम ने भक्तों का पैसा या सरकार का पैसा? ये जो देख रहे हैं, इनसे पूछे, 2017 से पहले यहाँ इतनी बड़ी बड़ी काई हुआ करती थी, जब इनका राज था हमें कई वर्ष हो गया थे, इनका चेहरा लाल हो गया, देखो इतनी बड़ी बड़ी काई, आदमी यहाँ खड़ा नहीं हो सकता था, और इसके बाद यहाँ बैठ के बैठकर डिबेट कर रहे हैं। किसका पैसा? भक्तों का पैसा या सरकार का पैसा? भक्तों का पैसा। हम लोगों जैसा भक्त है, जो राम भक्त है, वो राम मंदिर में अपना 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 पैसा। किसका पैसा भाई? भक्तों का पैसा ऐसे दिया गया है, सपा वाला भैया उससे दिया गया है, सपा से दिया गया है, अब तो उसको लूटना बन नहीं रहा है। इतना दिन से जनता को लूटा तो लूट नहीं रहा है, तो झूठ बोलेगा, उसका बुद्धि से दिया गया है। हम बोलेंगे भगवान के वाहे चरण में पड़े और उसका बुद्धि सही हो और फिर सही से काम। अब बोलिए शैलेंद्र पांडे जी, अरे भक्तों का पैसा है, सरकार का पैसा नहीं है, भक्तों का पैसा है, इन लोगों ने चंदा दिया है। भक्तों का पैसा लग रहा है, लेकिन सरकारी पैसा खर्च हो रहा है। हेलो, ये आपको भी जानकारी है, इन लोगों को भी जानकारी है, ऐसा नहीं है। कौन सी व्यवस्था बनाने में? एयरपोर्ट बनाने में अगर पैसा सरकार का लगा तो एयरपोर्ट नहीं बनना चाहिए? एयरपोर्ट नहीं बनना चाहिए? एयरपोर्ट तो ऑलरेडी पहले से निर्माण है। एसटी हसन ने कहा है, इसलिए सरकार ने ही एयरपोर्ट की घोषणा कर दी थी। हेलो एसन सिंह, जनता ने जवाब दिया है, किसका पैसा लगा है? देखिए, जाकी रही भावना, जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। निश्चित तौर पे सुन लीजिए, निश्चित तौर पे जनता की गाढ़ी कमाई को हज यात्रा में ये लोग खर्चते थे। जनता की ही गाढ़ी कमाई को समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोग जो विपरीत में वकील खड़ा करते थे उनके लिए खर्चते थे। जनता की ही गाढ़ी कमाई को जो मस्जिदों में लोग इमाम हैं उनको तनख्वाह देने पे करते हैं। और मैं तो कहूंगा, पूत कपूत तो क्या धन संचय, पूत सपूत तो क्या धन संचय। ठीक, आज देश में इतने सपूत हैं, इतने भगवान को मानने वाले हैं, उन्होंने इतना पैसा दे दिया कि पैसा खर्च ही नहीं हो पा रहा। हाँ, विकास के कार पे भारतीय जनता पार्टी ने
35,000 करोड़ रुपया खर्चा अयोध्या के विकास के लिए, अयोध्या के एयरपोर्ट के लिए। ठीक है, जरा एक और तस्वीर दिखा देता हूँ, एक बड़ी तस्वीर आई है एसएस सिंह जी। रामेश्वरम पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जरा वो तस्वीर दिखा दीजिए। पूजा अर्चना की है प्रधानमंत्री मोदी ने, 11 दिन के अनुष्ठान पर है, सिर्फ नारियल पानी पीकर रह रहे हैं, इतना कड़ा अनुष्ठान है। 22 तारीख को अयोध्या में मौजूद रहेंगे प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के दौरान। लेकिन तस्वीर आप देखिए अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर, रामेश्वरम को स्मरण करिए। भगवान राम ने लंका पर चढ़ाई से पहले शिव जी की स्थापना की थी। और ये तस्वीर देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, ये तस्वीर देखिए अयोध्या में। आपने ऐसी तस्वीर देखी हुई होगी जब काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का लोकार्पण हो रहा था, उस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी में मौजूद थे, तब उन्होंने माँ गंगा में डुबकी लगाई थी। और ये तस्वीर देखिए रामेश्वरम में प्रधानमंत्री मोदी की डुबकी लगाते हुए भगवान शिव की उन्होंने आराधना की है, वहां पर शिव जी की स्थापना की थी। भगवान श्री राम ने लंका पर चढ़ाई करने से पहले ये तस्वीर आपके सामने है। और शायद इसी तरीके की तस्वीरों की वजह से एसएन सिंह विपक्ष को ज्यादा दिक्कत है। राकेश जी देखिए, ये सब लगन लगने की बात है, हम लोग तो भजन गाते हैं, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, वो गली गली हरी गुण गाने लगी। राकेश जी एक समय आता है जब ये चुनने की बात आती है कि कौन राम को चुनता है, कौन बाबर को चुनता है। बहुत लोग बाबर को चुन लेते हैं, लेकिन भारत की जनता, भारत की संस्कृति को मानने वाले लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोग, आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी, ये संकल्प लेते हैं, सौगंध राम की खाते हैं, मंदिर वहीं बनाएंगे। कई लोग विकल्प चुनते हैं कि बाद में हम भी कह देंगे कि हम भी भगवान को मानते हैं। आज देखिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने संकल्प लिया था, जब तक अयोध्या में निर्माण कार्य शुरू नहीं होगा, ठीक है, जब तक भव्य मंदिर का निर्माण कार्य शुरू नहीं होगा, मैं तो नहीं जाएंगे। मैं आगे निर्माण कार्य हो रहा है। तीसरी बार हमारे साथ जुड़े हुए हैं राकेश जी, 10 सेकंड। अच्छा, जल्दी बोलिए। बहुत सारे लोग सवाल उठा रहे हैं, ऐसे हो रहा है, वैसे हो रहा है। अरे मैं तो एक बात कहूंगा राकेश जी, भगवान से सुंदर कोई चीज है, भगवान से बड़ा कोई समय है। अगर किसी को पता चले कि भगवान वहां आ रहे हैं तो क्या कोई इसमें इंतजार करेगा भगवान को देखने के लिए? ठीक, भगवान को देखने के लिए कोई समय चाहिए? भगवान को देख, ठीक है, मैं अभी एसएस सिंह, मैं अभी लोगों के बीच जाऊंगा। लेकिन हाजी मेहरदीन रंगरेज बार बार ओवैसी बाबरी का जिक्र छेड़ते हैं, क्या ये भड़काने की कोशिश नहीं है? 2 दिन है, आज और कल का इंतजार, परसों 550 साल का इंतजार पूरा हो जाएगा, उसके बावजूद कहते हैं कि ये तो धोखा हो गया भाई। देखिए राकेश भाई, अगर वो ये बता रहे हैं तो क्या गलत बता रहे हैं कि 1944 में की गई और राम जी क्या मंदिर, वहां पर मंदिर तोड़, कोई मंदिर तोड़ कर तो मस्जिद भी बनाई गई थी, कैसे सबूत नहीं मिले? कोई ने कहा अगर वो सारी बात अगर रख रहे हैं और नहीं तो क्या तोड़ कर, नहीं हाजी मेहरदीन रंगरेज रुकी है, क्या तोड़ कर मस्जिद बना था वहां पर, जरा बताइए क्या तोड़ कर मस्जिद बना था? मीर बाकी ने क्या तोड़वाया था बाबर के आदेश पर? खाली जमीन पर मस्जिद बनी थी, खाली जमीन पर मस्जिद बनी थी, यहाँ बाबर था कि राम थे? सुनिए, और दूसरी बात एक बार और बता दूं, सुप्रीम कोर्ट को मानने वाली अरे भाई मेहरदीन रंगरेज, कभी अयोध्या आ जाइए, बकायदा ट्रस्ट ने यहाँ पर प्रदर्शनी लगा दी है, क्या क्या एसआई में खुदाई के दौरान क्या मूर्तियाँ मिली हैं, गैर इस्लामिक स्ट्रक्चर था उसके नीचे से, गैर इस्लामिक स्ट्रक्चर था तो वो मस्जिद नहीं हो सकती थी। अरे सर सुनिए सुनिए, वहाँ पर मस्जिद थी, मस्जिद रहेगी, ये लोग अगर अपनी बात करते हैं और कहते हैं कि वहाँ पर मंदिर बन रहा, अच्छी बात है मंदिर बन रहा, मगर वो भाजपा ने नहीं बनाया, वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले से बना है। भाजपा की कोई बन नहीं रहा है, बन गया हाजी मेहरदीन रंगरेज, बन नहीं रहा है, बन गया, किस दुनिया में है आप? और अपना, अरे किस दुनिया में है? शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए। अच्छा चलिए, मैं लोगों के बीच एक बार फिर से लोगों के बीच जा रहा हूँ। कहाँ से अभी लोगों ने बात नहीं रखी है भाई, उठिए 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 उठिए। आज ही मेहरदीन रंगरेज बाहर बैठे हैं, कह रहे हैं कि वहाँ पर मस्जिद ही थी पहले, कभी मंदिर नहीं था। मंदिर था वहाँ पर, मस्जिद तो पीछे था, उन लोगों ने तोड़ के मंदिर को आगे को बढ़ाया था, जब मोदी जी ने वो किया, जब मीर बाकी ने तोड़वाया था मंदिर वहाँ पर। वहाँ मीर बाकी ने तो जो वहाँ हमारे मंदिर को, मंदिर के ढांचे को गिरा करके वहाँ पर मस्जिद का स्वरूप दिया था, लेकिन हमारा मंदिर जो जर्जर हो गया था, हम जो है सभी जो है यहाँ के निवासी और जो है कार सेवक जो यहाँ पर आए थे, उनके द्वारा हमारा पुराना जर्जर मंदिर गिरा करके पुनः हम अपने भगवान को नए स्थान पर
परिवर्तित करके बैठिएगा। मैं आपको आजी मेहरदीन अंग्रेज, ये देखिए यहाँ पर युवा है, क्या था भाई पहले बाबर के समय, क्या था वहाँ पर बाबर के समय वहाँ पे मंदिर था, उसके बाद बाबर आके वहाँ मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाया। सपने में जी रहे हैं ये, अभी भी सपने, ये अपने राम है, सबके राम है और सब में राम है, सनातनियों के रोम रोम में राम है, पूरे विश्व गुंजायमान है श्री राम के नारों से, बोलिए जय जय श्री राम है। अब हाजी मेहरदीन अंग्रेज, हाजी हाँ बोलिए, आप क्या बोल रहे हैं? जैसे इन्होंने कहा कि राम मंदिर जो था वो जज्जर हो गया था और फिर उसको तोड़। अच्छा आप बताइए किस क्लास में पढ़ते हैं? सिक्स में। बाबर के समय मीर बाकी ने मंदिर तोड़वाया था या नहीं, आपने क्या पढ़ा? तोड़वाया गया था जैसे कि अंकल ने बोला अभी, जैसे जज्जर हो गया था मंदिर फिर तोड़वाया गया था, लेकिन मैं पूछ रहा हूँ जज्जर हो गया था तो उसे उसी समय बनवा भी तो। अब चलिए देखिए हाजी मेहरदीन अंग्रेज, बच्चा बच्चा जान रहा है कि वहाँ पर राम मंदिर था, उसके बावजूद आप लोगों को बरगलाएंगे। मैं आऊंगा आपके पास, लेकिन उससे पहले वरुण पुरोहित जी आपके पास एक तस्वीर आई है राहुल गांधी की, जरा उसे भी स्क्रीन पर डाल दीजिए, गदा लेकर घूम रहे हैं आजकल, हनुमान जी का वेश उन्होंने धारण किया। अरे आई जाते अयोध्या, हनुमान गढ़ी यहाँ पर है, दर्शन कर जाते। पांडे जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद, आप अयोध्या के दर्शन करा रहे हो वहीं से बैठे बैठे, उसके लिए आपको भगवान और यश और कीर्ति आप में वृद्धि करे। देखिए लोक कलाकार, लोक संस्कृति होती है, जगह जगह भिन्न भिन्न प्रकार के मुखौटे पहन करके अपने कार्यक्रम किए जाते हैं, तो उन्होंने हनुमान जी का चेहरा पिया तो भारतीय जनता पार्टी जैसे रावण घबराता था, भयाक्रांत हो जाता हनुमान जी के चेहरे से जैसे घबरा रही है। भाई वो लोक कलाकारों के बीच में गए, उनको करने दीजिए, ये क्यों घबरा रहे हैं उस बात से, ये तो पाखंडी मुखौटा जो इन्होंने लगा रखा है उसी से घबरा रहे हैं। इन्होंने आज तक के मॉडल को धार्मिक पर्यटन का शब्द दे दिया, रेवेन्यू मॉडल दे दिया, ये मंदिरों में जहां जहां किस प्रकार से पॉलिटिकल इमोशनल एक्सप्लोइटेशन करना चाह रहे हैं वो इनकी पाखंडी नीति है, तो इनका तो पाखंड का चेहरा पूरे देश के सामने आ रहा है। शंकराचार्य जी हो, रामानंद पीठ के पीठाधीश्वर जी हो, उमा भारती जी हो, सब लोग अगर संतुष्ट नहीं है तो उसमें ये कोई कांग्रेस का है, उसमें कोई हाथ है कि राहुल गांधी का हाथ है? देखिए अच्छा अब काम हो रहा है, प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, भगवान का मंदिर बन रहा है, लेकिन जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी को पॉलिटिकल रूप देने का प्रयास कर रही है, एक ही आदमी को पुजाना चाह रही है, वो पब्लिक को किसी कतई ही पसंद नहीं आएगा, 65% पब्लिक आज भी इनके साथ नहीं है। एक एक चीज जरा इनको समझ पा दूं, पहले विष्णु दास जी जरा वरुण पुरोहित जी को समझाइए, इस समय दुनिया सृष्टि में सबसे बड़ा राम काज अयोध्या की धरती पर है, तो हनुमान जी वैसे तो कड़कड़ में हनुमान गढ़ी में, लेकिन कायदे से क्या यहाँ नहीं राहुल गांधी को होना चाहिए था? हरि व्यापक सर्व समाना, प्रेम ते होई प्रगट में जाना, राम जी तो सब जगह व्यापक है, हम में राम तुम में राम कड़कड़ में राम है, ओ भव राम मंदिर का निर्माण हो रहा है तो विरोधियों भी तैयार हो रहे हैं, चाहे वह सोनिया गांधी हो, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे ओबीसी हो, लगातार संस्कृति सनातन धर्म के खिलाफ पे बोलता है, क्रिश्चियन धर्मों पे नहीं बोलता। मैं निवेदन करना चाहता हूँ ये राम मंदिर नहीं, ये बीजेपी का कार्यक्रम नहीं, ये राष्ट्र मंदिर बन रहा है, राष्ट्र का कार्यक्रम है, राष्ट्र का कार्यक्रम है, समाज को तोड़ने का है, समाज में नफरत फैलाने का है, ओबीसी के जैसे समाज में तोड़ने का ओबीसी बोलता है। सुनिए ना, दुनिया ऐसे मत किसी को टैगिंग दिया करिए वरना पलट करिए, अभी आपने टैगिंग देने को पूरे पूरी बोला लगेगा आपको, कौन पाखंडी है, कौन किसके अंदर ज्यादा आस्था है, ये आप तय करने वाला कोई नहीं है, ये समझा करिए आप। एस एस सिंह आप कुछ कह रहे थे? देखिए मैं तो कहूंगा राजनीति कौन करता है, राजनीति तब किया जाता है जब करपात्री महाराज को दिल्ली इंदिरा गांधी बुलाती है और गौ रक्षा के लिए और सारे साधुओं को भूल दिया जाता है, राजनीति तब किया जाता है जब 26/11 की घटना होती है और हिंदुओं को आतंकवादी कहा जाता है, राजनीति तब किया जाता है जब राहुल गांधी कहते हैं हिंदू लड़के मेहरदीन अंग्रेज की आवाज पीछे थोड़ा सा डाउन करिएगा, राजनीति ये मारेंगे नहीं, नहीं रुकिए, सबके साथ मत बोला करिए, राजनीति तब किया जाता है, बात पूरी करिए फिर भरोसा जी आपके पास आ रहा हूं, तेरे कातिल जिंदा है अब जल हम शर्मिंदा है, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह का जहां नारा लगता है वहां राहुल गांधी चले जाते हैं, राजनीति तब होता है जब साबानो केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बदल दिया जाता है। हम तो ये कहेंगे राकेश जी अगर भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार नहीं होती और भारतीय जनता पार्टी की राज्य में सरकार नहीं होती तो आज यहाँ पे भव्य राम का मंदिर नहीं बन पाता, पुनः ये लोग संसद में फैसला पुनः संसद में बिल लेकर इस फैसले को बदलने का काम करते। ठीक, आप बोलिए वरुण पुरोहित जी,
ये सब कुछ अगर आप लोग तब चिंता जता दिए होते जब रामलला टेंट में थे, जब उनको सही से भोग नहीं लग पाता था, जब वो टेंट में बुरी स्थिति हुआ करती थी, लेकिन तब कोई दिक्कत किसी को दर्द नहीं था। पांडे जी, इन्होंने जो भारतीय जनता पार्टी सरकार का नाम किया, अटल जी भी बेकार थे क्या? आज अटल जी की सरकार भी नहीं कर पाई, फिर वो भी असफल हुए इनके हिसाब से। तो मैं कह रहा हूँ भी कर्पात्री जी महाराज का इन्होंने नाम लिया, राम राज्य परिषद को जबरदस्ती क्या किया था इनको पता नहीं होना, जनसंघ में बलराज मदोक के साथ क्या किया इनको पता होना चाहिए सबको, तो इसलिए बार बार कर्पात्री जी महाराज का नाम लेते हैं, इनको खुद को पता नहीं राम राज्य परिषद कहाँ है क्या, उसका स्टेटस इन लोगों ने कर दिया था। देखिए, राहुल गांधी का नाम ले रहे हैं, ऐसा करना चाहिए था वैसा करना चाहिए, तो इनके डायरेक्शन से पूरा देश चले। देखो, मिलिशिया सिस्टम है, लोकतांत्रिक व्यवस्था है देश की, जिसको जहाँ इच्छा होगी, प्रभु सब जगह है, कण कण में प्रभु है, जिसको जहाँ अच्छा लगेगी वहाँ करेगा दर्शन। आपने भी बात की चंदे की, मेरी तो बहन ने बहुत अच्छी तस्वीर, एक बार फिर टेलीविजन स्क्रीन पर रखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर, आप सोचिए कितनी ठंड है, यहाँ पर हमें खड़े होने में दिक्कत हो रही है, लोग दो दो जैकेट पहनकर घूम रहे हैं, लेकिन इतनी भीषण ठंड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रामेश्वरम में मौजूद है, वहाँ पर उन्होंने स्नान किया है, डुबकी लगाई है, आराधना कर रहे हैं। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में ऐसी तस्वीरें आपने देखी थी, लेकिन तब मौसम ठीक था थोड़ा सा, आप सोचिए शायद इससे दिक्कत हो रही है, इस छवि से दिक्कत हो रही है। इतनी ठंड में इंतजार कीजिए, 22 तारीख को भी ऐसी तस्वीरें देखने को मिलेंगी, और हो सकता है शायद इस तरीके के उलझुल बयान अभी और भी आ जाए। चलिए, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।